फोर्थ, ठीक है, फोर्थ से लेके थर्ड, थर्ड से लेके सेकंड। करा के कैसा लगा? काम करके बहुत अच्छा, वो किक्स इन रियली वेल। और जो शिफ्ट से भैया, इसमें सब्सक्राइबर भैया आपका नाम जीबी ऐप कंट्रोल जी, बिल्कुल साइड में दिखाई देगा। हाँ, इसके ऊपर ये स्टिचिंग घर से क्यों मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंट्रो वाला मैंने पोर्शन शूट किया था वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, या तो बाई एनी चांस मिसप्लेस हो गया रहेगा, मुझे वो हेल नहीं मिल रहा है अभी। सो एनीवेज कोई गल नहीं, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो वेन्यू IMT SX वेरियंट 2021 पेट्रोल, जो एक महीने पहले गाड़ी का डिलीवरी लिया गया था एंड सिर्फ 390 किलोमीटर चला हुआ है एंड द ओनर इज माय सब्सक्राइबर। तो काम सारा ऑटो प्रो में हुआ है। गाड़ी जो है वो IMT रहने वाला है, अभी तक IMT नहीं चला है, तो इट विल बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ IMT। तो वो पर्सपेक्टिव से आपको रिव्यू भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड जो ऑटो प्रो में काम हुआ है तो एक नंबर काम हुआ है। शोरूम के जो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ऑटो प्रो के, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहेगा। मैप लिंक इंक्लूडिंग 2 फोन नंबर्स, डायरेक्शंस, एवरीथिंग विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। कुछ भी अगर कॉस्टिंग जानना है, कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर काम करना है, डेफिनेटली कॉल एंड कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. क्योंकि इसका गैलियो का जो फिनिशिंग है और जो इसका जो क्वालिटी है ये थोड़ा बेटर है नॉर्मल से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हैंडल जो लगा है नॉर्मल से हैंडल था, ये क्रोम हैंडल लगा है यहाँ पे, ये भी सीन लिक का है। अभी आप अंदर में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वेन्यू का जो स्कफ प्लेट है वो आपका लगा है, ठीक है, लाइट वाला लगा है, जैसे नॉर्मल स्टील भी आता है और ऐसा मैट्रिक्स भी आता है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल लाइट है। और इसमें आपको पहले जैसे बताया है कि स्कफ प्लेट लगा है, और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फिनिश लगा हुआ है पूरा आपका डैशबोर्ड से लेकर साइड तक पूरा पीछे तक आपका ये फिनिशिंग लगा हुआ है। ये जो एम्बिएंट लाइट है ये आपका जैसा मतलब अभी देख पा रहे हैं RGB ऐप कंट्रोल जी, बिल्कुल वहाँ से आपका कंट्रोल होता है, ये रिदम के साथ भी चलता है। हाँ। ये आपका यहाँ पे जो कंट्रोल है यहाँ पर कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो कलर है वो पिंक में है, अभी इसको हम रेड सेट करेंगे तो ये रेड कलर में आ जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पर आप ब्राइटनेस भी इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, यहाँ से आप आपका मर्जी से आप यहाँ पे आपका कलर कोई भी कलर आपको पसंद कर सकते, जो पसंद है आपको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और भी सारे बहुत ज़्यादा फीचर्स है यहाँ पे, और भी बहुत सारे फीचर्स है, ये आप जब तक आपका अब जब एक्सेस करेंगे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको बहुत सारे स्टैटिक रेड है, स्टैटिक ब्लू है, ये आपका स्टैटिक ग्रीन है, बहुत सारे मोड है, स्पीड है, इसमें आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे भी ब्राइटनेस मतलब का। अगर मैं बताऊँ तो इसके साथ आप सारा दिन खेल सकते, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं। हाँ। कोई भी कलर, ये जंप है, ब्रेथ है, फ्लैश, कोई भी, बहुत कुछ है इसमें। जैसे आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे एम्बिएंस लाइट होते हैं फ्लोर में है, वो भी अवेलेबल है,
ये ज्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे आपका गाड़ी का जो इनर लुक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रात को चलाने में। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आता है। आप देखते हैं इसका फिनिश भी बहुत अच्छा है। अब अगर क्लोजली इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका क्लोज भी अगर देखेंगे बहुत अच्छा है। इसका कलर देखिए ऐसे चेंज आप कर सकते हैं, जो लगा हुआ है उसका फिनिशिंग देखिए काम बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी आप बताते हैं स्टेयरिंग में, स्टेयरिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है स्टेयरिंग ये हम लोगों ने खास करके खोल के लगाए। इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, आपको लगेगा कि ये जैसे कंपनी में लगता है बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप हम लोगों ने फिटिंग यहाँ पे किया। फुल OEM फिटिंग, बिल्कुल OEM फिटिंग हुआ है। और यहाँ पे ये जो कफलर है ये सब कुछ ये अलग से खोल के, ये जो ओरिजिनल स्टेयरिंग है उसके ऊपर ये स्टिचिंग हुआ है। और जो गाड़ी में अगर IMD का फीचर्स बताए तो इधर पे नॉर्मल आपका MID मिलता है, इधर से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 390 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। एंड इधर पे आपका क्रूज कंट्रोल, इधर पे आपका जो नॉर्मल रेडियो कंट्रोल सब कुछ है, इधर पे आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला सब कुछ सिस्टम है, ठीक है। एंड इधर पे यू गेट द क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इधर पे 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स और क्लच देख लो, कोई भी क्लच नहीं है, सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेटर है, ठीक है। इसका मजा भी आज हम लोग लेंगे। और सती तो व्हाट अबाउट द सीट कवर्स, सीट कवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नापा लेदर का लगा हुआ है, ये है ऑटो फ्रोम ब्रांड का, यहाँ ब्रांडिंग आपको साइड में दिखाई देगा। इसका जो फिनिशिंग, इसका जो स्टिच क्वालिटी है आप देख सकते हैं, हम लोग जो बैठे हैं बहुत कंफर्टेबल है इसमें। इसका जो जो एक्चुअली ये डिजाइन जो पहले आता था वो आता था लेदर स्ट्रक्चर में, अभी इसको नापा में कर दिया है ताकि इसका जो फिनिशिंग है और भी अच्छा लगे, और भी अच्छा लगे, और भी अच्छा। हेडरेस्ट जो है वो अपना चेन वाला है, हाँ बिल्कुल चेन वाला का है ये चीज। एंड जो सीट है पूरा सेमी बकेट फिट में है, ठीक है। एंड पीछे वाला देख लो, पीछे वाले का फिनिशिंग देख लो आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ काम हुआ है। पीछे भी आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। एंड ड्राइवर सीट देखोगे तो इधर में स्टिचिंग और फिनिशिंग देखो बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया है, सामने आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। एंड जो नीचे देख सकते हो मैट के नीचे अपना फ्लोरिंग हुआ है, ये कौन सा वाला फ्लोरिंग है, लेमिनेशन है आपका 1.8mm का। अच्छा, ये तो हर गाड़ी में, हर कोई भी नया गाड़ी हो पुराना गाड़ी हो सब गाड़ी में बहुत काम का चीज़ है, ये आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। एंड गाड़ी में ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है आपको, लेकिन सनरूफ मिलता है, बहुत अच्छा ही फीचर है ये। एंड इधर पे भी आप लोगों को दो लाइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी गाड़ी को चलाते हैं, चलाते देखते हैं कि क्या फील है IMD वेरिएंट का, कि पहले मैंने IMD कभी चलाया नहीं है। एंड लेट्स सी, देखो मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ा एंड थोड़ा थोड़ा गाड़ी का मूवमेंट भी चालू हो चुका है, ठीक है। एंड ये जो IMD का फील है ये मुझे लेना था काफ़ी दिनों से, आज मौका मिला है तो ले डालते हैं इसको। चलो भगाते हैं इसको थोड़ा, चलो थोड़ा भगाते हैं इसको, सेकंड गियर, थर्ड गियर, कोई फील नहीं हो रहा है भाई, क्लचलेस जो है वो चीज़ फील नहीं हो रहा है, मतलब हाथ लगाते ही अपना जो क्लच एक्टिव हो जाता है गाड़ी का, बहुत अच्छा फीलिंग है भाई। IMD को बुरा भला बोलते हैं सब लोग, लेकिन इट्स गुड। आप लोग कितना भी खींच लो गियर तो चेंज होने नहीं वाला है, आप लोग जब गियर चेंज करोगे तभी गियर चेंज होगा, तो दिस इज गुड मैन, अच्छा है। लाइक सी, मैं थोड़ा भगा रहा हूँ इसको। एंड थर्ड गियर देखो, खाली आपको एक्सेलेरेटर छोड़ना है शिफ्ट करने के बाद, तभी आपका क्लच एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइक स्मूथली भाई, ये गियर टाइप देखो, लाइक गियर देखो, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ फोर्थ, ठीक है, फोर्थ से लेके थर्ड से लेके सेकेंड, आराम से चल रहा है गाइस। लाइक टर्बो का किक इन देखो, टर्बो किक्स इन रियली वेल, और जो शिफ्ट से वो भी काफी स्मूथ है, ठीक है। जो IMD का फील है वो काफी ज्यादा अच्छा है भाई, मैंने ऐसा अच्छा फील होगा वो सोचा नहीं था सचमुच। इधर से हम लोग को यू टर्न लेना है। तो भैया इसमें सब्सक्राइबर, भैया आपका नाम? मेरा नाम अभिरूप समाददार। तो भैया एकदम ब्रांड न्यू 390 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी लेके ऑटो प्रो में आए हैं, ठीक है, मतलब मेरा वीडियो देख के, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आपका वीडियो देख के हम लोग आए, पहले वीडियो देखे उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्ट किए इस भैया से, उसके बाद आप आए।
काम वाम बहुत करवाया, क्रोम लगाया, सीट कवर लगाया, वो तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। और आईएमटी का जो फीलिंग है मैंने चला के देखा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी ड्राइव, वो बहुत अच्छा है। लाइक अच्छा डीसीटी और मैनुअल के बीच में एकदम दिखता है, एकदम बढ़िया चीज है। लेकिन पहली बार मैंने आईएमटी चलाया, बहुत मजा आया। एनीवेज, और आपको काम करा के कैसा लगा? काम करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज है कि आप अगर काम करवाना है आप थोड़ा टाइम लेकर आइए, टाइम लेकर ये तो होता है, ये होता है, टाइम लेकर आइए। बाकी सब काम अच्छा है, काम बाकी सब अच्छा है। सीट कवर फिनिशिंग कैसा है? हाँ, सब अच्छा है। सीट कवर हम लोग, मतलब आप टच करके फील करके देखिएगा, फीलिंग फिटिंग्स अच्छा है और फिनिशिंग भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना। इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @invalid.username404। एज ऑलवेज आई एम एट द एंड ऑफ टुडेस वीडियो, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।